बिहार, पूरे बिहार गुस्सा में है। और गुस्सा इस प्रकार से है कि अगर नौकरी दे रहा था लोगों को तो नीतीश जी के पेट में दर्द होने लगा, भाजपा के पेट में मरोड़ होने लगा। नीतीश कुमार ना थक गए हैं, बीमार हैं। उनका एक्सप्रेशन देखे विधानसभा में कैसा एक्सप्रेशन रहता है, तो बीमार आदमी से सत्ता चलता है। रोजगार का अगर मुद्दा कोई बात किया, तेजस्वी प्रसाद जी से बढ़िया कोई रोजगार नहीं देगा, वही एक सोचेंगे और चिंतन है, रात दिन चिंतन है। आपके पार्टी में तो डीएनए में खोट नहीं था, राजद का लोग बिके वाला है। वो जगह डीएनए में जमीन नहीं जाता, जमीन बेच के जो राजनीति करता है वो बिक जाता है। राजद का कार्यकर्ता एक छोटा कार्यकर्ता भी बिकने वाला नहीं है। पहचानने में हमारे नेता से गलती हुई, वो दोगला थे, दोगला है, दोगला रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है एमएलए फ्लैट में। कल जो है 3 मार्च है और तेजस्वी यादव महारैली करने वाले हैं, जन विश्वास महारैली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कल जो लोग वहाँ जुटेंगे, आज से ही जुटने लगे हैं। युवा है हमारे साथ, क्या नाम हुआ? अमन पासवान। मैं कहाँ से आए हुए? शेखपुरा से। क्यों आए हुए हैं? वो इनका रैली देखने के लिए कल है ना। किनका रैली? तेजस्वी यादव और लालू यादव। कौन है तेजस्वी यादव? बिहार के उप डिप्टी सीएम थे, पूर्व डिप्टी सीएम थे। पसंद है तेजस्वी यादव? पसंद। हाँ ठीक है, अच्छा काम, युवा के लिए अच्छा काम करते हैं और पसंद भी है। और कर भी नौकरी उकरी पिछला बार भी दिए थे। आगे और देखना चाहेंगे? हाँ देखना तो चाहते हैं, युवा के लिए कुछ काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो देखना चाहते हैं। कल तक एकदम बने रहना। हाँ, देखना है। कभी देखे तेजस्वी यादव? हाँ पहले कभी देखे थे, अब देखेंगे गांधी मैदान। बड़े हो गए तो ध्यान। हाँ हाँ देखेंगे जी। और युवा है हमारे सामने, कहाँ से आए हुए हैं? सुपौल से आए हैं। सुपौल से आए जी। तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं जी? जी। क्या लगता है, जो जनविश्वास यात्रा था सफल हो गया एकदम? हाँ सफल है। सफल है एकदम, जनता विश्वास कर रही है? पूरा जनता विश्वास कर रही है। आगे एकदम उनको चुनेगी मुख्यमंत्री के तौर जी? जरूर चुनेगी। अच्छा, इतना जो है रहा आसान होगा तेजस्वी यादव का? दिग्गज नेता है। कोई दिग्गज नेता नहीं है तेजस्वी यादव के सामने अभी। नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार का नहीं चलेगा इस बार। नहीं वो पलट गया। नहीं चलेगा उसका। नीतीश कुमार ना थक गए हैं, बीमार हैं। उनका एक्सप्रेशन देखे विधानसभा में कैसा एक्सप्रेशन रहता है, तो बीमार आदमी से सत्ता चलता है, सत्ता हनक से चलता है। और हनक उनका इतना कमजोर हो चुका है कि अभी तीसरी नंबर की पार्टी है। हो सकता है 4 तारीख के बाद इंग्लैंड से लौटेंगे तो जदयू नाम का कोई पार्टी नहीं रहेगा बिहार में। कल जो रैली होने वाली है, क्या लगता है उसमें भीड़ उमड़ेगी, भीड़ आएगी? दिख रहा है ये भीड़ दिख रहा है। भाजपा तो आरोप लगा रही है, कह रही है खरीदवा भीड़ है, खरीद के लाई है भीड़। खरीद लेता विधायक, खरीदने का खाली पैसा है होकर। विधायक खरीदते हैं, आपके विधायक चल जाते हैं, आपके पार्टी से मोह भंग होता है चले जाते हैं। ना ना, जकट डीएनए में खोट होता है ना, वो चल जाता है। जकट डीएनए में खोट रहता है वो भाग जाता है, वो अपन जमीन बेच के चल जाता है। आपके पार्टी में तो डीएनए में खोट नहीं था, राजद का लोग बिके वाला है। वो जकट डीएनए में जमीन नहीं जाता, जमीन बेच के जो राजनीति करता है वो बिक जाता है। राजद का कार्यकर्ता एक छोटा कार्यकर्ता भी बिकने वाला नहीं है। विधायक थे जो चले गए बीजेपी में? अरे वो राजद के नहीं, अब हर पार्टी में, हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में कुछ दोगला होता है। हाँ। तो जो चल गया वो दोगले है सब। हाँ, हाँ दोगला है। विधायक थे आपके चले गए? पहचानने में हमारे नेता से गलती हुई, वो दोगला थे, दोगला है, दोगला रहेंगे। हमारे नेता से पहचानने में गलती हो गई थी। जनता उपचुनाव तो होगा ना, जनता उन्हें देखा देगा कैसा लगता है। एकदम गुस्से में नजर आ रहे हैं। नहीं गुस्सा में क्या रहेंगे, बिहार की बिहार पूरे बिहार गुस्सा में है। और गुस्सा इस प्रकार से है कि अगर नौकरी दे रहा था लोगों को तो नीतीश जी के पेट में दर्द होने लगा, भाजपा के पेट में मरोड़ होने लगा। नीतीश जी तो कह रहे थे कि हमारी योजना थी, क्रेडिट ले रहे थे राजद वाले। नहीं नहीं आपका कैसे योजना था, आपका 17 साल में कहाँ थे, आप सो गए थे क्या? बोले क्या उससे पहले क्या हम रोजगार नहीं दिए थे? तेजस्वी के साथ आए तभी रोजगार दे रहे हैं। 17 महीना में 6 लाख रोजगार दिए और 10 साल में भाजपा केंद्र में गया है, उसका केंद्र सरकार का डाटा कहता है 7 लाख कुछ नौकरी दिया है। अरे रोजगार आप सोच लीजिए, केंद्र सरकार कह रही है हम आत्मविश्वासी बना रहे हैं। नहीं किसको आत्मविश्वासी बना रहे हैं, कौन सा युवा को? नौकरी देने वाले नहीं बनी है, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नहीं। वो आत्मविश्वासी नहीं, वो पेपर लीक करवा के लोगों को लुटेरा बनवा रहा है, चाह रहे हैं डाकू बना रहा है। अभी देख ले यूपी में देख लीजिए कितना पेपर लीक हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक क्या है, लोगों को असली मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को रोजगार न देना पड़े इसलिए पेपर लीक करवा दो, नौकरी का फिर देना ही नहीं पड़ेगा, फिर अगला बार एग्जाम होगा, ऐसे लीक करवाते रहो। तो लीक सरकार है ना, वो
भाजपा का ज्यादा सरकार लीक सरकार है। कल जो योजना वाला है वो जो सॉरी कल जो यात्रा है जो यही तेजस्वी यादव की, क्या आपको लगता है कि सफल यात्रा आप लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार के युवा है वो जात पात से ऊपर उठ के, ऐसा तो नहीं है कि यादव को खाली नौकरी मिला है, सभी समुदाय के लोगों को नौकरी मिला है। और युवाओं, हमारा जो स्टेट है बिहार, यह साउथ नहीं है, चेन्नई नहीं, कि जो कच्चा माल आएगा और मतलब दूसरे कंट्री से सटा हुआ नहीं है। यहाँ पे रोजगार की जो हमारा बात करेगा, हमको जो रोजगार देगा उसी को सरकार लाने का हम लोग आग्रह करेंगे। और एक भी और बात जान लीजिए, पूरे बिहार में युवाओं जाग चुका है, जाति हो कोई जाति को होते एस पी यादव को वोट देने का काम करेगा युवा, खास करके पूरे बिहार में। अगर अभी चुनाव हो जाए, रोजगार पर चुनाव लड़ रहा था कौन, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़े थे। और अभी देखे नीतीश कुमार जी का पोस्टर बैनर पर क्या लगा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी। क्यों क्रेडिट क्यों नहीं लेगा, क्रेडिट मान लीजिए उसके जो भाजपा काम कर रहा था, क्या भाजपा का नाम नहीं होगा, क्रेडिट वो भी ले। और रोजगार का अगर मुद्दा कोई बात किया, तेजस्वी प्रसाद जी से बढ़िया कोई रोजगार नहीं देगा, वही एक सोचेंगे। और चिंतन है, रात दिन चिंतन है कि आखिर अभी जो मौका मिला था, एक बार और अगर सरकार रह जाता 25 तक, 2025 तक, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। आपकी बात तेजस्वी का है, क्या लगा था सपोर्ट करने आया? राघोपुर से। राघोपुर से क्या नाम हुआ आपका? मुकेश राय। देखिए हमारे क्षेत्र से लगातार तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जब से हमें अनुमान है, जब से हम मतलब मैच्योर्ड हुए हैं, तब से हम तेजस्वी जी के सपोर्टर, इसलिए कि युवा है और हम लोग युवा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसको आगे। कैसे आए आप? दो चक्का से आए हैं। हाँ, एकदम। देखिए हम ही नहीं चाहते, पूरा बिहार चाहता है, पूरा फैन हो चुका है, जितने रोजगार दिए है उसके अनुसार पूरा भारत फैन हो चुका है। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव को, लगता है कि राह उनकी आसान रहेगी, आगे वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? 100% आप इस जगह से हमने बाइट ले रहे हैं ना। हम भी 2020 में फेसबुक के माध्यम से कहे थे तेजस्वी जी को एक बार मौका, तो एक बार मौका मिलने पर 17 महीना में दिखा दिए एक मंत्री बनेंगे ना। तो धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है राजद के कार्यकर्ता, राजद के समर्थक है, उनका कहना है कि जो यात्रा तेजस्वी यादव निकले थे वो बिल्कुल सफल है, और कल जो है